हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका कुकिंग विद सुनीता व्लॉग में। तो मैं आज बनाने वाली हूँ अचार। तो मैंने ले लिया है सौंफ, राई, मेथी और जीरा। इन सबको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था। उसके बाद दरबरा इसको पीस लेंगे। तो मैंने राई का तेल गरम किया है। राई का तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मैं जार ले ली थी। जार में मैंने ये सारे मसालों को ठंडा कर लिया था। हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। दरबरा पीस लेना है, देख सकते हैं एकदम बारीक नहीं किया है। ये मैंने गरम हल्का गुनगुना कर लिया, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया था ताकि बहुत ज़्यादा जले ना। और ये देखो, ये अजवाइन थोड़ी सी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मंगरई, ये मैंने डाल दिया। ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए। और ये मैंने नमक ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार, क्योंकि अचार मेरा 7 किलो का है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे मसाले मिला रही हूँ। ये मैंने वो सारे मसालों को दरबरा पीस करके इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। दो मैंने थाली ले ली है, बाद में मैंने आधा आधा मसाला डिवाइड कर दिया था, आधा इसमें आधा उसमें, ताकि मिक्स करने में आसानी रहे। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इस भगोने में थोड़ा ऐड करूँगी मसाला, आधा इसमें आधा उसमें, ताकि अचार में आम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आधा आधा डिवाइड कर लिया था। हल्का तेल गुनगुना था, हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। देख सकते हैं कच्चा है लहसुन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वैसे ही तेल में पक के एकदम अच्छा टेस्ट आ जाता है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मैंने तेल हल्का सा गुनगुना था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा गर्म था। ये देख सकते हैं आम कटे हुए, मैंने इसको हल्दी में मिला करके धूप में 2 दिन धूप में रखा था। और ये मैंने मिक्स कर दिया तेल और ये आम कटा हुआ डाल करके, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने ताकि सब आम के टुकड़ों में अच्छे से मसाला फैल जाए। दोनों थालियों का मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मसाला। ओए होए, मुँह में तो देख के जैसे पानी आ रहा है। मुझे तो बस ये फटाफट आप मतलब 1 साल तक स्टोरेज करके रख सकते हो, बहुत ही टेस्टी आपको खाने में आएगा। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया था प्लास्टिक का, अच्छे से पोंछ लिया था। अब मैं इसमें सारे अचार को डाल लूँगी। डब्बे में मैंने सारा अचार डाल लिया। अब इसको हल्का सा मेरे पास कॉटन का कपड़ा अवेलेबल नहीं था, नहीं तो कपड़ा लगा के बाद में ढक्कन लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, कुछ ख़राब नहीं होता है, बहुत दिनों तक चलता है। तो मैंने इसको पैक कर बंद कर दिया और बंद करने के बाद रख दिया धूप में। 1 हफ्ते तक धूप दिखाए और सालों साल अचार खाए। थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।